मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको OCM के क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव के आंसर प्रोवाइड किए हैं, उसी तरह 12th SP के क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव के आंसर लेके मैं यहां पे आ गया हूं। सर, लेक्चर का पर्पस क्या है, सुन लो ध्यान से। जब भी आपको पढ़ाई से बोर हो गया, आपने पढ़ लिया हुआ है और आपको लगता है यार अब पढ़ाई हो ही नहीं रही, खुद से नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर हेडफोन लीजिए, मोबाइल लीजिए और ये लेक्चर देखना चालू कर दो। सर, जब भी आप फ्री हो, जहां अब आप वॉक पे चले गए, राइट, आपके कंटिन्यूस, मतलब देखो आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, जब जब टाइम मिले तब तब लेक्चर देखो। और सर, आप सुनते रहोगे तो एक तरफ आपके ऑब्जेक्टिव्स अपने आप खत्म हो जाएंगे जो क्वेश्चन बैंक के हैं। एक डाउट जो बार बार बच्चे पूछते हैं, सर इतने ही ऑब्जेक्टिव्स करें क्या हम लोग, तो आंसर इज मालिक इतने ऑब्जेक्टिव करके कैसे चलेगा। हाँ, नो डाउट कि ये ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने आपको टेक्स्ट बुक के नीचे दिए हुए हैं, ट्राई करो पहले 5 चैप्टर के तो अच्छे से कर ही लो, बराबर 6, 7, 8 ऐसे भी लेटर्स के चैप्टर उधर ज्यादा नहीं इतने MCQs, लेकिन एक बार रीड करने को क्या जाता है। लेकिन सर, जब कुछ घंटे हैं एग्जाम के, तब सारे ऑब्जेक्टिव आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो सर वो भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो फिर क्या लग जाएगी ना घर का ना घाट का। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव्स के आंसर कंटिन्यूस जो मेरा आवाज रहेगा, आप जो सुन रहे होगे बार बार उसे रिवाइज करोगे, बार बार लेक्चर्स को देखोगे, तो अपने आप एग्जाम में वो क्लिक हो जाएगा। तो रीजन यही है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको टाइम है तो डेफिनेटली बाकी के भी कीजिए एक्सरसाइज के, क्योंकि 20 मार्क का सवाल है। समझ में आया दोस्तों? यस सर। तो दोस्तों चलो यहां पे हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा मेरा, राइट। अब मैं स्टार्टिंग से ही जाने वाला हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई मैंने पहले 1 sentence का दिया, तो बट ऑब्वियस यहां पे भी वो होगा ही, बट स्ट्रेट क्वेश्चन ABCD से ही जाते हैं अब, ठीक है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, स्पीड ज्यादा रहेगा, फुल फोकस, राइट। तो यस दोस्तों, चलो रेडी हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने के बाद टेलीग्राम में आंसर गलत मत करना, 50% जनता अभी भी गलत लिख रहे है, आई डोंट नो व्हाई। चलो पहला, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ - अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो सर करेक्ट आंसर है, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। विच अफेयर्स? मॉनेटरी अफेयर्स। कौन से अफेयर्स सर, पढ़ाई पे ध्यान दो, मॉनेटरी अफेयर्स। दूसरा, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन ऑफ - बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, क्या, गुड्स, कैपिटल और लैंड। तो सर, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन ऑफ व्हाट, कैपिटल, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ व्हाट, कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन - मार्केट। सर कौन सा, इंटरनेशनल मार्केट, ADR, GDR आ रहा है क्या, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट याद आ रहा है क्या। द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट इज एबिलिटी टू रेज क्या, इंटरनेशनल कैपिटल इन इंटरनेशनल मार्केट। सर, यू अंडर - मेथड इश्यू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर is based on bidding, क्या सर, book building method। answer tick कर दो, book building, या सुन लो शांति से मेरे आवाज को पूरे concentration के साथ सुनना सर। under book building method issue price of share is based on what, bidding, okay। in - shares of company are offered to the पब्लिक फर्स्ट टाइम, बट ऑब्वियस ना सर, क्या आंसर रहेगा, ओके। इन - शेयर ऑफ कंपनी आर ऑफर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या है आंसर सर, फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर या इसोस, पहली बार पब्लिक को इश्यू कर रहे सर, आंसर क्या रहना चाहिए आपका, दैट इज तो IPO, ठीक है सर। शेयर ऑफ द कंपनी आर ऑफर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज IPO। इन - ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, - इज ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्या सर, IPO, ISOs या राइट शेयर, आंसर इज राइट शेयर, ओके मालिक। नेक्स्ट, सेकेंड, सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम, कितने साल के अंदर रिडीम करना चाहिए, 10 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यू विद इन हाउ मेनी मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ वॉट, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने और 60 days दिया, तो कंफ्यूजन होना डेज में, कितना है, 6 months, ओके सर। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्ट
ट्रस्टी ऑफ कंपनी इज कॉल्ड डैश डैश. क्या कहते हैं उसे? डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं. ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं. मालिक, रिपीट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टीज ऑफ कंपनीज इज कॉल्ड डैश डैश डिबेंचर ट्रस्ट डीड. ओके. डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 36 months. मालिक, तो ये रहा आपका आंसर ए. कंपनी इश्यूज डैश डैश टू इनवाइट मेंबर्स टू सब्सक्राइब फॉर इट डिपॉजिट. क्या सर? एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर के सर्कुलर. तो आंसर इज सर्कुलर. कंपनी सर्कुलर इशू करेंगे इनवाइट करने के लिए मेंबर्स को कि वो अपने सब्सक्राइब करें. क्या डिपॉजिट की बात आई है यहाँ पे? कौन सी स्कीम है? डिपॉजिट स्कीम है. इसलिए आंसर क्या आया? सर्क्यूलर. ध्यान देना, कंसेप्चुअल है. और आपने डिस्टिंग्विश के लेक्चर देखे रहेंगे तो सारे के सारे कंसेप्चुअल आंसर आपको समझ ही रह गए राइट ना? यस सर. रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल एवरी ईयर बिफोर डैश डैश. क्या सर? 30 जून से पहले फाइल करना है. आई रिपीट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट. किसका रिटर्न? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल एवरी ईयर ऑन और बिफोर क्या? 30 जून. क्या? 30 जून. एवरीबॉडी, डिपॉजिट पे जो भी रिटर्न है कौन से डेट से पहले फाइल करना है सर? 30 जून से पहले सर. ओके. सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर शुड बी क्या? प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज. ऑप्शन ए लेंदी, ऑप्शन बी शॉर्टकट, ऑप्शन सी बट ऑब्वियस लॉजिकल था, प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए सर. डिबेंचर रीपेबल आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आर डैश डैश रीपेबल. तो क्या होगा? रिडीमेबल ना. रिडीमेबल का मतलब क्या? कुछ दिनों बाद उसे रीपे करना पड़ता है. दैट्स व्हाई योर आंसर इज रिडीमेबल. ओके. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर क्या अभी अनसर्टन है, फ्लोटिंग है या फिक्स है? फ्लोटिंग मतलब कम ज्यादा होता है. नहीं सर, डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होता है? फिक्स. तो आंसर इज सी. डिपॉजिटर आर डैश डैश ऑफ द कंपनी. ओनर तो नहीं रहेंगे. वो क्या है सर? क्रेडिटर है कंपनी के. आंसर इज बी. इन फिजिकल मोड सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डैश डैश फॉर्म. सर फिजिकल है तो बट ऑब्वियस क्या रहेगा? पेपर फॉर्म में रहेगा. फिजिकल मोड का है, दैट्स व्हाई. क्या? कौन से मोड में? पेपर फॉर्म में. द रिस्क ऑफ लूजिंग सर्टिफिकेट एग्जिस्ट इन कौन से मोड? सर गुम हो गया कौन से मोड में रहेगा? सर बट ऑब्वियस फिजिकल फॉर्म में. तो डिमेटलाइज फॉर्म में नहीं, डिजिटल फॉर्म में नहीं. कहां पे गुम होने का चांसेस ज्यादा है? रिस्क है सर. फिजिकल फॉर्म में अगर सिक्योरिटी है तो रिस्क ज्यादा है. डिपॉजिटरी एक्ट वॉज पास इन विच ईयर? 1996. मालिक, डिपॉजिटरी एक्ट पास इन विच ईयर? 1996. ओके सर, आंसर यहां पे देखो. इन इंडिया ISIN फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इज अलॉटेड बाय हुम? NSDL. इंडिया में ISIN फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज अलॉटेड बाय हुम? NSDL. ओके सर. डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय नॉर्मल फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर. ऐसे वाली बात थी फाइनल डिविडेंड. बट इंटरिम डिविडेंड, ये कांसेप्ट आपने समझा था. बट इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय हुम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मालिक, ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकते हैं, रादर ये तीनों क्वेश्चन. ध्यान दो, ध्यान से सुनो. ओके, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय जनरल, कुछ भी नहीं दिया इंटरिम वगैरह, तो फाइनल पकड़ो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बाय हुम? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एंड फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर बाय हुम? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर. तो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 आपको कंफ्यूज कर सकते, आपका एक मार्क्स लेके जा सकते. तो ध्यान से सुनना, डिविडेंड इज रिकमेंडेड, फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर. एंड इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो 22 का आंसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 23 का शेयर होल्डर है. डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ क्या सर? प्रॉफिट से डिक्लेयर किया जा सकता है, रिजर्व से डिक्लेयर किया जा सकता है, कैपिटल से डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. लेकिन मैंने और एक कंसेप्ट क्लियर किया था, कैपिटल प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया जा सकता है. समझा क्या? हाँ सर. पेमेंट ऑफ डैश डैश पेमेंट ऑफ डैश डैश डिविडेंड मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सर फाइनल डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ती सर, बोनस का भी कोई विषय नहीं है. तो इंटरिम डिविडेंड का जब आप पेमेंट करते हो, ये डिस्टिंग्विश मैंने बताया था, तब आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए. मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग डैश डैश फंड. क्या सर? शॉर्ट टर्म फंड. मनी मार्केट है तो कैपिटल मार्केट नहीं क्या? मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड. मालिक समझ गया, खत्म हो गया एवरीबॉडी. कितना टाइम लगा सर? 1.5 की स्पीड पे देखोगे, दो बार तीन बार देखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के डन, उड़ गए. कब सर? फ्री टाइम था, बोर हो रहा था, हमने हेडफोन डाल के देखा तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, वॉक भी हो गया, थोड़ा बाहर घूम के भी आया और पढ़ाई भी हो गया. लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो प्रॉपर बैठ के अच्छे से देख लो, ये सेकंड टाइम की बात है. मैच द पेयर्स. सर ध्यान देना, कॉलम ए कॉलम बी, प्रेजेंटेशन ओसीएम में मैंने बता दिया था आपको, राइट? प्रॉपर कॉलम ए ड्रॉ करने का, कॉलम बी में आंसर लिखने का करके. एडीआर 7 नंबर क्या है? यूएस है, बराबर.
बोनस शेयर थर्ड नंबर फटाफट जाता है सर, इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खत्म, फिक्स्ड कैपिटल फर्स्ट नंबर दैट इज अ फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट रेटिंग सेकंड नंबर दैट इज अ क्रिसिल राइट, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इक्विटी शेयर सिक्स नंबर दैट इज वेंचर कैपिटल डन। आपका पहला डिस्टिंग्विश आपने लिख लिए होंगे होप सो, नहीं तो मैंने वापस में रिपीट करता हूं, एडीआर आया तो याद रखना यूएसए बराबर, बोनस इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, फिक्स कैपिटल मालिक फिक्स असेट आएगा, क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आएगा सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा आपका वेंचर कैपिटल में ओके मालिक। दूसरा डिस्टिंग्विश डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या लिखोगे आप लोग, डिबेंचर सर्टिफिकेट इज योर इंस्ट्रूमेंटल डेप्थ, नाइन नंबर अंडरलाइन करो, एफपीओ थर्ड, एनी इश्यू आफ्टर फर्स्ट पब्लिक ओके फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, आईपीओ के बाद जो भी इश्यू होता है उसे एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं, तो थर्ड वन टिक हो गया, लॉजिक समझा, यस सर। वर्किंग कैपिटल क्या, सम ऑफ करंट असेट, फर्स्ट वन टिक करो तो आपके पास होगा, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट का 9, एफपीओ 3, वर्किंग कैपिटल 1 एंड फाइनल डिविडेंड क्या, डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय मेंबर, इजी था। एंड देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या मालिक, सेफ कैपिटल है 8 नंबर, तो 9, 3, 1, 10, 8। चलो फटाफट में बता दूं तो एक बार आपको याद रह जाएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट आया तो आपको लिखना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट, डेट डेट डेप्ट नहीं क्या डेट, एफपीओ आया तो लिखोगे एनी इश्यू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, वर्किंग कैपिटल आया तो सम ऑफ क्या, करंट असेट ओके, फाइनल डिविडेंड आया तो डिक्लेयर बाय व्हाट, बोर्ड, डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर बाय मेंबर्स, एंड प्रेफरेंस शेयर सेफ कैपिटल है, दूसरा डिस्टिंग आपका मैच द पेयर्स खत्म। तीसरा सर बॉन्ड होल्डर क्या है, क्रेडिटर होते हैं तो 9 नंबर लिख लो वहां पे, आईपीओ फिफ्थ फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, यस सर IPO इनिशियल तो फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर किया जाता है। कॉर्पोरेट फिनांस सर आएगा डील्स विद द एक्विजिशन ऑन यूज ऑफ कैपिटल, 4 नंबर, फाइनल डिविडेंड क्या, डिक्लेयर इन एनुअल जनरल मीटिंग, यस सर बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। प्रेफरेंस शेयर मालिक 6 क्या है सर, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है प्रेफरेंस शेयर पे क्या रहता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी पे फ्लक्चुएटिंग होता है, क्या आपके ये डिस्टिंग्विश समझ मैच द पेयर समझ रहे क्या सर आपको। बॉन्ड होल्डर क्या था, क्रेडिटर, आईपीओ फर्स्ट टाइम जब आप इशू करते हो अपने फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, कॉर्पोरेट फिनांस मालिक आएगा डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल, इंपॉर्टेंट है आईएमपी करो, फाइनल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर सर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा, यस सर। देन आफ्टर नेक्स्ट आपका मैच द पेयर, डिबेंचर होल्डर कौन है सर, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है 9 नंबर, आईपीओ फिफ्थ नंबर, फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है चीज है ठीक है। चार्ज ऑन असेट क्या है सर, सिक्योर्ड यहां पे डिबेंचर होने चाहिए थे, देखिए डिपॉजिट लिखा है। फोर्थ वन सेबी क्या काम करता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट, एंड 8 इश्यू विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट क्या रहेगा सर, शेयर सर्टिफिकेट रहेगा, खत्म सर, ये एक बार देख लेना टिक कर लो आपका ये वाला आंसर खत्म हो गया। स्टेट विद द टर्म और फ्रेज विच कैन बी व्हाट सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फटाफट फटाफट पढ़ेंगे, मैं आपको टर्म बता दूंगा आप लोग लिख लो, नहीं तो आप लेक्चर सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना करके, यस सर ध्यान दो। पहला कैपिटल नीडेड टू एक्वायर फिक्स असेट, एक मिनट है इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यस सर ध्यान दो, या कैपिटल नीडेड टू एक्वायर फिक्स असेट विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड डैश डैश कैपिटल, क्या रहेगा मालिक, एक मिनट आपको आंसर पे ही लेके जाता हूं मैं, तो आप आंसर भी देखें और आपको सारी चीजें अच्छे से समझे भी, जस्ट अ मिनट ओके, ये रहा आपका आंसर, ये आपको टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोग सारे लेक्चर देखें, एक दो दिन बाद में पोस्ट करूंगा करके राइट, नहीं तो क्या हुआ सर हम लेक्चर ही नहीं देखेंगे और ना हमको समझेगा नहीं लेक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है सर। चलो तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, फिक्स असेट, द सम ऑफ करंट असेट इज नोन एज क्या सर, द सम ऑफ करंट असेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट, पूरा लिखने का, देखो जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन है आपने भी एग्जाम में लाइन पूरा लिखने का और उसके बाद आंसर आपको लिखना है करके, वर्किंग कैपिटल एवरीबॉडी। आगे द एक्सेस ऑफ, ये क्यों मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस ले रहे, तो वही पे मैं आगे बताऊंगा अभी, द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटी, द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटी क्या रहेगा सर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल,
ओके मालिक. देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स दैट इज अ प्रोडक्शन साइकिल. वन वर्ड क्या, प्रोडक्शन साइकिल. एवरीबॉडी चलो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स क्या रहेगा उसका, प्रोडक्शन साइकिल. द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट उसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं. क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं. देन आफ्टर सर, हाईएस्ट बिड प्राइस इन बुक बिल्डिंग मेथड उसे क्या कहेंगे सर, हाईएस्ट बिड प्राइस इन अ बुक बिल्डिंग मेथड उसे कैप प्राइस कहते हैं. अंडरलाइन कर देना, क्या कहेंगे मालिक, कैप प्राइस कहेंगे. ओके. सेवन, डॉक्यूमेंट विच इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ सर्टन शेयर ऑफ अ कंपनी उसको कौन सा डॉक्यूमेंट कहते हैं, शेयर सर्टिफिकेट. किसका ओनरशिप दिखा रहा है, शेयर का. ठीक है सर. नेक्स्ट, तो इसका सेवन का हो गया शेयर सर्टिफिकेट. डॉक्यूमेंट विच प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप ऑफ सर्टन शेयर ऑफ कंपनी दैट इज शेयर सर्टिफिकेट. ओके मालिक. नाउ एट वन, अथॉरिटी विच हैज पावर टू इशू डिबेंचर, अथॉरिटी विच हैज पावर टू इशू डिबेंचर दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. लिखो वन वर्ड वहां पे, क्या, अथॉरिटी विच हैज पावर टू इशू डिबेंचर दैट इज बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35% ऑफ इज पेड अप शेयर कैपिटल एंड फॉर फ्री रिजर्व. ये मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से बताया था रेगुलर लेक्चर में. ये कौन होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है. कि प्राइवेट कितना ले सकता है, पब्लिक कितना ले सकता है, तीनों के परसेंटेज बताया. लेकिन टू द पॉइंट लेक्चर रखना है मालिक, कि जो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट से 35% ऑफ इस पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व इट इज कॉल्ड विच कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी करके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी आ जाएगा. मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, कितना मिनिमम टेन्योर हो सकता है सर, मिनिमम कितना, 6 months हो सकता है, ये तो हमने देखा ही था करके. देन आफ्टर, द शेयर होल्डर टू हुम द बोनस ऑफ बोनस शेयर्स आर इश्यूड, वो कौन से शेयर होल्डर रहेंगे, दैट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. आपका वापस एक मार्क्स बन गया मालिक. क्या था, शेयर होल्डर टू हुम द बोनस शेयर्स आर इश्यूड इट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी डेट, क्या, रिटर्न ऑन डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी डेट, क्या डिविडेंड दिया जाएगा. रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी डेट दैट इज 30 जून, और यहाँ पे और एक रिटर्न क्या होता है सर, तो यहां पे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट 30 जून को इन्होंने डेट दिया हुआ है. अगर वो नॉर्मल रिटर्न की बात करते इन्वेस्टमेंट जैसा, तो वहां पे बट ऑब्वियस हम लोग लिख सकते थे कि इंटरेस्ट, राइट. लेकिन रिटर्न ऑफ डिपॉजिट की बात की है, तो यहां पे डेट की बात स्पेसिफिकली आ गई है करके. ओके, एज पर योर टेक्स्ट बुक. द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्या होगा सर, वो डिपॉजिटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट है सर. द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटी इन विच मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड सर, क्या है वो, डिपॉजिटरी सिस्टम. मालिक सबका ध्यान अब यहाँ पे होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए धीरे धीरे. सर आप इधर उधर भटक रहे हो, सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि सर ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, जो है उसका आंसर बताना है. क्यों कर रहा हूं मैं, सीधा आपको ये भेज देता ना, लेकिन सर मुझे लगता है कि अगर लेक्चर रहा कुछ बच्चों को, मतलब वो देख लिया अगर गलती से, क्योंकि किसने कही हुई बात ज्यादा अच्छे से याद आती है, खुद से पढ़े हुए से बेटर, राइट ना. तो अगर मैं कह रहा हूं और कहीं पे भी क्लिक हुआ तो आपका फायदा रहेगा, इसलिए इतना मेहनत चल रहा है. दिस प्रोसेस कन्वर्ट सिक्योरिटीज इंटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म, क्या कहेंगे मालिक इससे, जब इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल होता है, डीमटेरियलाइजेशन. ओके मालिक, दिस मीन्स सिक्योरिटी आर विदाउट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नंबर, अंडरलाइन करना, विदाउट डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी नंबर दैट इज फंजिबिलिटी, दैट इज वॉट फंजिबिलिटी, सिक्योरिटीज आर विदाउट डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी नंबर क्या रहेगा, फंजिबिलिटी. ओके सर, द मीटिंग वेयर फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर क्या रहेगा सर, एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है, कौन सा मीटिंग कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग. डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग क्या कहेंगे सर, इंटरिम डिविडेंड. एकदम ईजी था, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, क्या, इंटरिम डिविडेंड. अ मार्केट विच एक्सक्लूसिवली डील विद द न्यू इश्यू ऑफ शेयर क्या होगा वो सर, प्राइमरी मार्केट. न्यू इश्यू ऑफ शेयर क्या रहेगा, प्राइमरी मार्केट. अ मार्केट विच एक्सक्लूसिवली डील विद द न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट. अ स्पेसिफिक शेयर्स वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज अरेंज एंड इन ऑर्गेनाइज मेथड क्या रहेगा सर, स्टॉक एक्सचेंज आईएमपी करो. क्या, अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज अरेंज इन ऑर्गेनाइज मैनर दैट इज स्टॉक एक्सचेंज.
द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी ऑर्गेनाइज बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, कौन सा था सर? वो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट सर, वो जो अपना इंडियन गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज लाया था कहां पे सर, उसे क्या कहते हैं? BSE। मालिक आपका हो गया यहां पे क्या, आपके हो गए यहां पे वन वर्ड। सर ये तो हम भी कर सकते थे, लिख लेते, PDF सेंड कर देना था, इतना टाइम भी नहीं लगता। तो सर वही तो हो रहा है, हम लोग सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। जब लेक्चर सुन रहे हो, जब कंटिन्यूस मैं आपके साथ बड़बड़ कर रहा हूं, बराबर, तो आपने इस चीज को उतने शिद्दत से 1.5 की स्पीड पे, 1 की स्पीड पे, जैसे आपको लगता है, देखना चाहिए, समझना चाहिए, बराबर। ये इफर्ट सिर्फ आपके लिए चल रहे हैं मालिक, आप लोगों के लाइक्स हमें मोटिवेट करते, कमेंट्स हमें मोटिवेट करते, आप लोग कर भी रहे हो। और सर देखो, मतलब मैं थोड़ा पानी पीने का ब्रेक ले रहा हूं, तब तक आप भी पानी पी लो, लेकिन हम सीधा चले जाएंगे अभी ट्रू और फॉल्स पे, बहुत ही स्पीड के साथ बताऊंगा, आपको समझेगा भी, लेकिन जो बात सुनी रहती ना याद आ जाती, इसलिए मेहनत चल रही है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर D करना है सर, पढ़ना चालू कर दो, चलो तुरंत। यस सर, एवरीवन, क्या आप रेडी हो? फिनांस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ट्रू। कॉर्पोरेट फिनांस ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस एंड एक्टिविटी, बट ऑब्वियस सर, ट्रू। फिक्स कैपिटल ऑल्सो रेफर्ड एज सर्क्युलेटिंग कैपिटल, सर फॉल्स। क्या हो जाएगा सर आंसर? फॉल्स, गलत। एक मिनट, दूसरा अपन कलर यूज करते हैं, रेड वन, ठीक है। यस सर, या वर्किंग कैपिटल स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, फॉल्स सर, ये भी फॉल्स होगा। इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड फिक्स रेट, इक्विटी शेयर नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता तो ट्रू होता, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर है, दैट्स व्हाई के आंसर फॉल्स। शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड फॉर पार्टली एंड फुल्ली पेड अप शेयर, यस सर, ट्रू। बोनस जो शेयर सर्टिफिकेट, एक बार आपने एप्लीकेशन मनी दे दिया डेफिनेटली, तो आपने एक बार सब्सक्राइब किया, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो पार्टली हो या फुल्ली पेड अप हो, तो दैट्स व्हाई ट्रू। बोनस शेयर आर इश्यूड एट डिस्काउंट प्राइस टू द इक्विटी शेयर होल्डर, नहीं सर ये फॉल्स है, वो राइट शेयर की बात होती तो ठीक, सोर्स वगैरह की बात है तो ठीक है, लेकिन बोनस शेयर में नहीं चलेगा। बोनस शेयर मतलब आपको पूरे वैल्यू पे दिया जाता है, एट डिस्काउंट प्राइस, ये गलत है, फॉल्स है। फ्लोर प्राइस इज द हाइएस्ट बिड प्राइस अंडर द बुक बिल्डिंग मेथड, फॉल्स सर, अभी अभी तो देखा कैप प्राइस कहते हैं उसे। डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट, ट्रू, यस, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होते, शेयर होल्डर को होते हैं। इलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, इलिजिबल कंपनी बोला है तो ट्रू। गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, या ट्रू। डिबेंचर होल्डर गेट रेगुलर डिविडेंड, सर डिविडेंड नहीं, क्या मिलता है? इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता, आप लोग देखो एग्जाम में ये सिली मिस्टेक होती है आपसे, सर डिविडेंड होल्डर रेगुलर, हाँ हाँ डिबेंचर को रेगुलर मिलता है, लेकिन क्या डिविडेंड नहीं मिलता राजा, क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट्स व्हाई डिविडेंड आया, तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स। फिक्स डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनांस ऑफ द कंपनी, एज पर टेक्स्ट बुक इट इज ट्रू, एज पर टेक्स्ट बुक इट इज ट्रू, तो आपको यही लिखना है, मार्क्स भी मिलेंगे करके। ओके, आगे, अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, तो आंसर इज फॉल्स, इसका पूरा टेबल बना के दिया था रेगुलर लेक्चर में मैंने। इंडिया हैज मल्टीपल डिपॉजिटरी सिस्टम, ट्रू। अ फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इज रिस्क, यस सर इट इज ट्रू, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में गुम हो जाने का, डिस्ट्रॉय हो जाने का चांसेस है, जिससे बट ऑब्वियस इसलिए हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको डीमैट फॉर्म में। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, यस सर इट इज ट्रू, लेकिन अगर ये मैं आपको आपके मार्क्स छीनने के लिए एक गेम खेलता हूं, मैं क्या करता हूं, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो क्या रहेगा? फॉल्स, समझ रहे हो? इसलिए लेक्चर देखो, कुछ तो एडवांटेज मिलेगा, मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक्स्ट्रा बातें ना बताऊं, लेकिन वो रहा नहीं जाता, जहां जहां मेरे को लगता है बताना मैं बता ही देता हूं। ध्यान दो कि कैपिटल प्रॉफिट अगर आता, ये चीज कैपिटल प्रॉफिट अगर ये चीज आता तो मालिक यहां पे आंसर ट्रू रहता, लेकिन सिर्फ कैपिटल आया तो ये क्या है, सॉरी डिविडेंड कैन नॉट बोला है ना, तो ये यहां पे आंसर कैपिटल प्रॉफिट होता तो फॉल्स होता, लेकिन यहां पे ट्रू स्टेटमेंट क्या है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, बराबर है ट्रू, बट लेकिन ऐसे होता डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो आंसर क्या होता? फॉल्स, बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं। समझा, दिमाग की बत्ती जली? यस सर, आगे बढ़ते हैं। NSE इज अ रेगुलेटर ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यस सर इट इज ट्रू। खत्म, एवरीबॉडी डन, अंडरस्टैंड? यस सर, खत्म। या चलो ध्यान दो, फाइंड ऑड वर्ड,
ऑड वर्ड को ढूंढेंगे सर, यहाँ पे मैं सीधा आपको लेके जाता हूँ सजेस्टेड आंसर पे। एक बार आप फटाफट यहाँ पे कुछ मतलब होता है ना कि ये सिर्फ आपको बताना, ये पीडीएफ से भी आपने लिख लिया तो भी आपको डेफिनेटली ये चीज़ काम में आएगी करके, राइट। क्योंकि मुझे कम से कम टाइम में इस लेक्चर्स को ख़त्म करना है ताकि आपके मेन क्वेश्चन पे मैं आ पाऊँ। ऑड वन आपको ये पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। फर्स्ट आप सिर्फ लिखिए कैश, देन सेकंड रिटेन अर्निंग, थर्ड वन इज राइट शेयर, फोर्थ वन इज शेयर होल्डर, फिफ्थ वन इज गवर्नमेंट कंपनी, सिक्स इज स्पेशल रिजोल्यूशन, सेवेंथ इज लिक्विड लिक्विड लैंग्वेज, सेबी, एनबीएफसी, आरबीआई, पीपीएफ। सर आपके पास इसका स्क्रीनशॉट खींचो, आपके पास ये रहेंगे आपका जो भी सजेस्टेड आपके पास क्वेश्चन बैंक है, फटाफट जाओ और उस पर टिक करना चालू करो। मैं यहाँ पे करता हूँ। चलो सर थर्ड वन इज क्या, राइट शेयर, राइट मालिक, यस सर राइट शेयर यहाँ तक आया। फिफ्थ वन में अगर आप देखोगे तो दैट इज़ ए गवर्नमेंट कंपनी। सर लॉजिक के साथ अगर बात करें मालिक तो प्राइवेट कंपनी नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, तो इससे पब्लिक से डिपॉजिट कौन ले सकता है, राइट। दोस्तों देखो एक्सप्लेनेशन देने में मेरे को बहुत ऐसे इच्छा हो रही है बट अब टू द पॉइंट रहना है और दो तीन घंटे का लेक्चर नहीं करना है, इसलिए मैं फटाफट आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्ट एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, तो योर आंसर इज डिफरेंट व्हाट, स्पेशल रिजोल्यूशन। सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड लिक्विड लैंग्वेज, तो आंसर इज लिक्विड लैंग्वेज। डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर एंड सेबी, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बट ऑब्वियस सेबी। NSDL, CDSL, NBFC, सर टेक्स्ट बुक का ही बात है और ये मैंने यहाँ पे भी ले लिया था, कहाँ पे, अपने टेलीग्राम पे। डिपॉजिटरी, DP एंड RBI, बट ऑब्वियस डिफरेंस क्या रहेगा, RBI। सर ये दोनों अपने डिपॉजिटरी चैप्टर के मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैंक यहाँ पे बीच में उन्होंने क्या किया है, घुसेड़ दिया है। सर DRF, RRF ये फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन के, एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ बट याद रखो ये दो फॉर्म है और PPF क्या रहेगा, अलग। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और इंटरेस्ट, बट ऑब्वियस सर ऑड वर्ड क्या रहेगा, इंटरेस्ट। मालिक कितना सिंपल था, कोई लोड है ही नहीं, एकदम शांति से ऑड वर्ड आपके खत्म हो जाएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस, ओके सर ये भी खत्म करते हैं। चलो कंप्लीट द सेंटेंस, एवरीवन फोकस रखना, क्या है सर, व्हेन देयर इज अ बूम इन इकोनॉमी सेल विल बी, अगर बूम है तो सेल क्या होगा सर, सेल क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन देयर इज अ बूम इन इकोनॉमी सेल विल बी इंक्रीज, तो यहां पे आप आंसर लिख दो क्या, इंक्रीज, मैं जो बोल रहा हूं वैसे लिख देना। द फिनांस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ व्हाट सर, बट ऑब्वियस इन टर्म ऑफ व्हाट, कैपिटल। या इन बुक बिल्डिंग मेथड फाइनल प्राइस एट विच शेयर आर ऑफर्ड टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड डैश डैश, क्या कहेंगे सर उसे, कट ऑफ प्राइस कहेंगे, अंडरलाइन करो क्या कहेंगे सर, कट ऑफ प्राइस। द प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर कंपनी अपॉइंट डैश डैश, किसे अपॉइंट करती है सर, डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है, किसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, डिबेंचर होल्डर के। मालिक और आगे जाते हैं हम लोग, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट पेएबल ऑन व्हाट सर, कैन नॉट एक्सेप्ट और डिपॉजिट, ओके कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट क्या सर, और रिन्यू कौन से डिपॉजिट को, ऑन डिमांड वाले डिपॉजिट को। आई रिपीट अंडरलाइन करो, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट क्या और रिन्यू डिपॉजिट रीपेएबल ऑन डिमांड, ट्रू और फॉल्स, तो सर ये भी ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या, हाँ तो कंसेप्ट ध्यान में दो, रटो मत, तो सर ये क्या रहेगा, ट्रू, आपका ट्रू आंसर रहेगा कि हम डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते करके। मालिक खत्म हो गया, हाँ यस सर। अकाउंट विच इज यूज ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट इज कॉल्ड, कौन सा अकाउंट कहेंगे, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, क्या, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, यस सर। आगे बढ़ते हैं, चलो पे अटेंशन। अ कंपनी कैपिटलाइज इट्स रिजर्व फंड फॉर इश्यू ऑफ डैश डैश शेयर, कंपनी अपने रिजर्व फंड को कब कैपिटलाइज कर सकती है, फॉर इश्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे लिख देना इक्विटी शेयर। कंपनी कैपिटलाइज इट्स रिजर्व फंड फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, सुन लिया, याद रहा, दो बार तीन बार कितनी बार लेक्चर देखो लेकिन याद रहना चाहिए। द प्रोसेस विच कन्वर्ट डिजिटल सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म, सर क्या रहेगा सर, बट ऑब्वियस क्या रहेगा, यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो रीमटेरियलाइज होगा। बहुत बच्चे गलती से यहां पे डीमटेरियलाइजेशन करते हैं क्योंकि आपने डीमटेरियलाइजेशन बहुत बार पढ़ा है, कॉमन मिस्टेक हो जाती है मालिक कि हम घाई घाई में ना अपना दिमाग, मतलब तीन घंटे का, साढ़े तीन घंटे का पेपर है, एक मार्क्स गला क्या है, फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं बोला है, दैट इज डीमटेरियलाइजेशन। यहां पर क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिजिटल सिक्योरिटी इन व्हाट, फिजिकल फॉर्म, तो उल्टा हो रहा है, डिजिटल को फिजिकल में लेके जा रहा है, इसलिए ये क्या रहेगा, रीमटेरियलाइजेशन रहेगा। मालिक समझ में आ रहा है क्या, डीमटेरियलाइजेशन नहीं क्या, रीमटेरियलाइजेशन, एक मार्क का सवाल था।
देखो आपने कर लिया, आप होशियार हो, लेकिन लेक्चर देख रहे हो इसलिए पूरा देख रहे हो, तो आपको डेफिनेटली अब टेंशन नहीं रहेगा। ओके मालिक, आगे बढ़ते हैं। क्या द फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया क्या था सर? NSDL। क्या? NSDL। एंड लास्ट सर, द वर्ल्ड डिविडेंड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम क्या है सर? डिविडेंडम। ठीक है, पीडीएफ आएगा, देख लेना, टेंशन मत लेना करके। ठीक है, ओके मालिक, चलो ये कवर कर दो, लिख लो फटाफट क्या है सर। यहाँ पे ऑलरेडी आपको बातें दी है, लेकिन मैं सीधा वापस ऑब्जेक्टिव पे आ जाता हूँ, आपको सही आंसर मिलेगा। यहाँ पे लिखो पहले रिटर्न अर्निंग के सामने इंटरनल सोर्स ऑफ फिनांस, रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा करस्पॉन्डेंस, उसके सामने टिक कर दो अपने वहाँ पे, लिख लो, लेक्चर के साथ ही करना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें समझती है। 36 मंथ्स मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, यस सर। एंड चार्ज ऑन असेट क्या आएगा? सिक्योर डिबेंचर। कैश सेल्स क्या होगा? लेस वर्किंग कैपिटल सर। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, इतने सारे पॉइंट थे मेरे, सारे कहीं ना कहीं मैंने क्या कर दिए, सेटल कर दिए उसके हिसाब से। बी पॉइंट सर, सेकेंड पॉइंट, वापस आ जाओ यहाँ पे, देख लो सर, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। देखो मोनोटोनस लेक्चर होगा, बट पॉइंट क्या है सर कि हमको मार्क्स चाहिए, 20 में से 20 चाहिए, ऐसे हम नहीं पढ़ते सर, ऐसे हमको टाइम लग जाता है, 4-5 घंटे लगते इतने ही करने को। ये एक लेक्चर में हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तो सर फोकस के साथ एक साथ बैठ तो भी पाएंगे, समझ रहे हो? यस सर। सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड क्या रहेगा? बोनस शेयर। फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ वर्ल्ड क्या? जर्मनी। ये मैंने बताया था, जो हमारे रेगुलर बैच के बच्चे उनको याद आएगा करके, वर्ल्ड की बात कर रहे, अपने इंडिया की, एशिया की नहीं, वर्ल्ड की बात कर रहे, तो क्या? जर्मनी। ओके, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, ईसीएस होगा। ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी क्या सर? सेकंड हैंड मार्केट। खत्म सर, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आया तो सेकंड हैंड मार्केट, तो मालिक ये वाला पॉइंट भी आपका खत्म हो गया। रिटर्न ऑन शेयर पे आपने लिखा करके, राइट? ओके, रिटर्न ऑन शेयर, देन आफ्टर ये देखो, कैपिटलाइज फर्स्ट डिपॉजिटरी इन द वर्ल्ड, ये जर्मनी इसका वर्ड था, और बाकी सारी बातें आपको यहां पे मैंने बता दी है, बराबर। ये आएगा आपको टेलीग्राम पे, लेकिन उससे पहले 2 दिन आप, मैं आपको ये सारी चीजें करनी और बाद में मैं दूंगा, बराबर सर? फिर एक बार चेक कर लेना करके। आंसर इन वन सेंटेंस है मालिक, क्या करे? कर ले क्या? हाँ सर, कर लो ना आप, लेक्चर के आगे 10-15 मिनट और बढ़ेगा, लेकिन आपको देखना है। डिफाइन द कॉर्पोरेट फिनांस, यस सर, जाते हैं। कॉर्पोरेट फिनांस इंप्लाइज रेजिंग फिनांस, फिनांसिंग द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पोरेशन, मार्केट मेकिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल, क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है सर। दूसरा, व्हेन डज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कब होगा? शेयर सर्टिफिकेट शुड बी व्हाट, सॉरी, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हाट? ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनसेनिटी ऑफ व्हाट मेंबर। ये तो मैंने बताया था ना, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का डिस्टिंग्विश किया था, तो ही मैंने आपको कंप्लीट किया था। क्या? ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू होता है, जब मेंबर का डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी या इनसेनिटी, मतलब पागल हो जाता है तो। राइट मालिक, हाँ। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू शेयर सर्टिफिकेट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर? सर मैंने कहा था ना, कितना टाइम लिमिट है? 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये वन सेंटेंस में आपने लिख दिया। ओके सर, नेम द डॉक्यूमेंट विच इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द डिबेंचर एंड क्या? ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। कितना सिंपल है मालिक, ये तो हमने किया था ना, उसको क्या कहते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ओके, आगे, विच कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कौन सी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? दैट इज इलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। इलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। व्हाट इज डिपॉजिट ट्रस्ट डीड? सर द अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर, इट इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ओके सॉरी, व्हाट इज क्या था यहाँ पे? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड है, तो यहाँ पे अगर मैं कट करके डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहूँ तो आपका आंसर वो सही होगा जो मैंने कहा। समझ में आया सर? डिपॉजिटर मतलब क्या? डिपॉजिटर का भी आप पे होगा, दैट इज डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। व्हाट इज रिटर्न ऑन डिपॉजिट क्या मिलेगा सर? रिटर्न ऑन डिपॉजिट मीन्स सबमिटिंग ऑल द डिटेल टू कंपनी रजिस्टर्ड विद द व्हाट रिगार्ड्स विद द डिपॉजिट इट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। और देखो ना, मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर तारीख के पहले दे देना है करके। ठीक है सर, वन टाइम रीडिंग करेंगे मालिक, फटाफट जाएंगे, टाइम कम है अपने पास। कितने क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ। व्हाट इज इंटरेस्ट वारंट करके देख लेते हैं। इंटरेस्ट वारंट, ओके। When check is given by company or an organization in payment of interest on deposit, it is called what? Interest warrant. ठीक है सर,
डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या, फटाफट। डिपॉजिटरी सिस्टम रेफर्स टू द कंप्यूटराइज सिस्टम इन विच सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। सिंपल था ना सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम में होता है सिक्योरिटी हेल्ड की जाती है उसको डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। हु हैज राइट टू रिकमेंड डिविडेंड, रिकमेंड कौन कर सकता है सर? फाइनल डिविडेंड की अगर बात चलेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज राइट टू रिकमेंड डिविडेंड। व्हाट इज फाइनल डिविडेंड सर? जो एनुअल जनरल मीटिंग में जो रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिक्लेयर करते हैं क्या शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में, दैट इज योर फाइनल डिविडेंड, डिसाइड एंड डिक्लेयर बाय ओनली एन एनुअल जनरल मीटिंग। यस सर, फटाफट। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट सर? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट इन फाइनेंशियल एसेट आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है सर, फाइनेंशियल एसेट इज अ मार्केट दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट्स आर बॉट एंड सोल्ड, इट इज योर फाइनेंशियल मार्केट। अगेन मालिक मेरा, देखो कंटिन्यूस पिछले चार घंटे से मैं लेक्चर कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा एनर्जी डाउन हो सकता है, आपका एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए मालिक। लास्ट में रीराइट सेंटेंस में फटाफट फटाफट आपके साथ रहूंगा, ताकि देखो मेरा एक ही फॉर्म में लेक्चर रिकॉर्ड होना चाहिए और आप एक ही टाइम पे लेक्चर देख लेना करके। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं मालिक, चलो फटाफट रीराइट द सेंटेंस ना, वो गलत है उसको भी सही करके लिखो करके। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, सर खत्म बात, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग की बात ही नहीं आती। प्रेफरेंस शेयर कौन सा डिविडेंड लेंगे? फिक्स डिविडेंड लेंगे मालिक। उसके बाद डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। सर डुप्लीकेट वन मंथ के अंदर देना है क्या? नहीं सर, अंडरलाइन करो थ्री मंथ्स। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन थ्री मंथ्स फ्रॉम द वॉट, डेट ऑफ एन एप्लीकेशन। यस सर, आगे जाते हैं। कंपनी में इश्यू इररिडीमेबल डिबेंचर मस्ट क्रिएट चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। नहीं सर, जब कंपनी सिक्योर डिबेंचर देगी तभी उसको क्या करना है, चार्ज क्रिएट करना है। ओके ओके, देन द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ कंपनी अपॉइंट्स क्वा अंडर राइटर्स। नहीं सर, क्या है, द रेट ऑफ डिबेंचर कंपनी अपॉइंट्स डॉट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कौन करेगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यस सर, कंपनी अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, क्या डिबेंचर होल्डर, ऐसे होना चाहिए था यहाँ पे। तो सर यहाँ पे क्या हो सकता है सर, डिपॉजिट ट्रस्टी की बात की है, अगर डिपॉजिटर की बात आई तो डिपॉजिट ट्रस्टी, डिबेंचर की बात आई तो डिबेंचर ट्रस्टी करके। ओके मालिक, डिपॉजिट रिसीट इज इशूड विद इन सेवन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिपॉजिट। तो सर रीराइट करो, सेवन डेज है क्या? नहीं सर, कितने डेज होने चाहिए? 21 डेज। सर क्या है मालिक, डिपॉजिट रिसीट इज इशूड विद इन 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ व्हाट, डिपॉजिट। यस सर, डैश डैश सिस्टम लीड्स टू व्हाट, स्क्रिप्टलेस कैपिटल मार्केट। सर क्या है इसका आंसर, डिपॉजिटरी सिस्टम लीड्स टू स्क्रिप्टलेस कैपिटल मार्केट। वो क्या था गलत वर्ड, बैंकिंग, उसे हटा दो, यहां पे क्या आएगा, डिपॉजिटरी सिस्टम लीड टू क्या, स्क्रिप्टलेस कैपिटल मार्केट। तो ये मतलब भी बताया था स्क्रिप्टलेस क्या होता है करके रेगुलर लेक्चर में। सिक्योरिटीज आर फंजिबल इन डैश डैश फॉर्म, फिजिकल, गलत है सर। फंजिबल होता है कौन सा सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब सिक्योरिटी होता है आपका तब वो क्या होता है, फंजिबल होता है। देन ISIN इज अ कोड गिवन टू अ कंपनी, सर गलत, ये क्या है, सिक्योरिटीज को दिया जाने वाला कोड है, तो कंपनी यहां पे वर्ड गलत रहेगा, रीराइट किया, वहां पे क्या लिखा, सिक्योरिटीज। डिविडेंड इज पेड टू क्रेडिटर, सर बिल्कुल गलत है, यहां पे हम क्रेडिटर को क्या देते हैं मालिक, इंटरेस्ट देते हैं, डिविडेंड नहीं देते करके, ध्यान दो, इंटरेस्ट देते हैं करके। यस मालिक, आगे जाते हैं फटाफट। स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास इन डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड, सर गलत है, हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करते, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास करते, तो यहाँ पे स्पेशल हटा के क्या लिख दो, ऑर्डिनरी। इन प्राइमरी मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर आर ट्रेडेड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर प्राइमरी नहीं, वो क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है करके, तो बात खत्म, सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है। ओके मालिक, ध्यान दो यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, कर लो, ऑप्टेन अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ऑप्टेन क्रेडिट रेटिंग, एंट्री रजिस्टर डिबेंचर, रिसीव एप्लीकेशन मनी, दो तीन दिए हैं सर, आपको सीधा आंसर पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले आएगा आपको क्रेडिट रेटिंग लेना है, एप्लीकेशन विद मनी रिसीव करना है, रिसीव एप्लीकेशन विद मनी और एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर, राइट। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, पहले क्रेडिट रेटिंग ले लो, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव करो और फिर क्या करो, एंट्री करो रजिस्टर में डिबेंचर होल्डर की। वैसे ही सेकंड था सर, सेकंड का आंसर क्या है, आपको क्या दिया है, इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, इशू प्रोस्पेक्टस, ओपन बैंक अकाउंट। सर एग्जैक्ट अपोजिट हम जाएंगे, पहले आप क्या करो, प्रोस्पेक्टस इशू करो, बैंक अकाउंट ओपन करो और फिर डिबेंचर इशू करो। एंड थर्ड का सीधा मैं आपको आंसर दे रहा हूं सर, थर्ड वन क्या है आपका, ध्यान दो, होल्ड बोर्ड मीटिंग, देन आफ्टर आपका
इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट रिसीव एप्लीकेशन मनी, इसका आंसर है पहला होगा रिसीव एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे और फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। क्या सर? रिसीव पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, बोर्ड मीटिंग क्या करेंगे हम कंडक्ट करेंगे और डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। मालिक इस तरह से आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आई नो दोस्तों, कंटिन्यूस लेक्चर रिकॉर्ड करने की वजह से हो सकता है मेरा थोड़ा एनर्जी बीच में डाउन हो, लेकिन आप लोगों का नहीं होना चाहिए। एक साथ ये लेक्चर फटाफट देखो, पीडीएफ आपको कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगी, वो डाउनलोड कर लो, लेकिन जब जब आप फ्री हो तब तब ये लेक्चर आप देखते रहो। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय।